नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। आज राजधानी भोपाल में बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश ठाकुर जी ने राम मंदिर बनने पर सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा, जहां राम मंदिर की स्थापना होगी। सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को राम मंदिर बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। इस दौरान कमलेश ठाकुर ने कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी कहा कि जिस तरह से राम मंदिर भवन का निर्माण होगा, उसी तरह से कृष्ण जन्मभूमि का भी भव्य निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि समस्त बजरंग दल के लोगों में खुशी का माहौल है कि राम राज्य की स्थापना होगी। अयोध्या जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। समस्त देशवासियों को आगामी 22 जनवरी को जो भगवान श्री राम की प्रतिमा का वहां पर विराजमान होने जा रही है, समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जो राम राज्य की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो आगामी जो चुनाव अभी 4 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैं समस्त हिंदू वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी बहकावे में ना आकर भगवान श्री राम का राम मंदिर हमें यूं ही नहीं मिला। करोड़ हिंदू बलिदान हुए हैं तब जाकर भगवान श्री राम का यह भव्य राम मंदिर हमें देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का मथुरा के अंदर जल्द से जल्द यह बजरंगी मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य कृष्ण मंदिर बनाकर सौंपने वाले हिंदू समाज को बड़ा ही हर्ष का विषय है। 22 जनवरी को भगवान राम की स्थापना हो जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। राम राज्य की कल्पना के साथ सभी देशवासियों को दीपावली की एवं भगवान राज्य की भगवान राम की स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।